श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों कैसे हों, आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। दोस्तों आज 14 नवंबर साथ ही दिन सोमवार और षष्ठी तिथि है। दोस्तों आज की शाम आप लोगों को प्रदोष के समय मात्र अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए 108 चावलों का एक छोटा सा अचूक उपाय करना है। पूज्य गुरुदेव की शिव महापुराण कथा से बताया हुआ बहुत ही कारगर उपाय है। दर्शकों अगर आपकी कोई भी मनोकामना है, जो मनोकामना कई दिनों से ही पूर्ण नहीं हो पा रही है, लाख प्रयत्न आप कर चुके हैं, या फिर आपका कोई भी ऐसा कार्य है जो नहीं बनता है और बनते बनते भी बिगड़ जाता है, तो दोस्तों आप सभी लोगों के लिए ये जो उपाय है पूज्य गुरुदेव की शिव महापुराण कथा से बताया हुआ बहुत ही कारगरी उपाय साबित होगा। तो आप सभी को इस उपाय को करना है और किस प्रकार से करना है, किस तरह से करना है, वह पूरी संपूर्ण विधिवत जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में हर बार की तरह श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें। तो दोस्तों आप सभी को इस उपाय को करना है। आज शाम 5 बजे के करीब आप लोगों को इस उपाय को करना है। तो दोस्तों आज षष्ठी तिथि है, बहुत ही अच्छा संयोग है। आज शाम के समय आप लोगों को अपने हाथ मुंह धोकर और आपको अपने घर में रसोई घर में उपलब्ध हो तो वहाँ से आप लोगों को गिन गिन कर 108 चावल लेने हैं अक्षत। और आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बिल्कुल भी चावल टूटे या फूटे नहीं होने चाहिए। साबुत आपको चावल लेने हैं। उसके बाद में आप लोगों को एक लाल कपड़े में उनको डाल लेना है और अपने पूरे घर में घुमा लेना है। प्रत्येक कक्ष में आपको घुमा लेना है और अपने सिर से और पांव तक आप लोगों को घुमा लेना है। उसके बाद में आप लोगों को आपके घर के आसपास कोई भी शिव मंदिर हो तो वहाँ पर आपको चले जाना है। षष्ठी तिथि बहुत ही अच्छा दिन है। शिव मंदिर की चौखट पर आप लोगों को अपनी मनोकामना बोलते हुए उसे रखकर आ जाना है। इस कार्य को करने से मनोकामना पूर्ण होती है, जीवन के दुख कलेश संकटों से छुटकारा मिलता है। तो आप सभी इस उपाय को जरूर कीजिएगा, बहुत ही अच्छा लाभ प्राप्त होगा। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।